हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम कस्टर्ड आइसक्रीम बनाएंगे। बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है, ये सभी को बहुत पसंद आती है। प्लस ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर ही कैसे बिल्कुल बाजार जैसी कस्टर्ड आइसक्रीम बना सकते हैं। तो आइए कस्टर्ड आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में 1.5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। तो यह मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह किसी और फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसमें 1/4 कप दूध डालेंगे। तो यहाँ हम दूध ठंडा या फिर नॉर्मल टेम्परेचर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम गर्म दूध का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इसमें गर्म दूध का यूज़ कर लेंगे तो आपके कस्टर्ड के मिक्सचर में लम्स पड़ जाएंगे। तो अब हम दूध और कस्टर्ड पाउडर को इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने दूध और कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम एक पैन में 1 कप दूध डालेंगे। तो यह मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, आप कच्चा या उबला हुआ कैसा भी दूध ले सकते हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। तो जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा तो अब हम इसमें ये कस्टर्ड का मिक्सचर डालेंगे। तो डालने से पहले हम इसे एक बार इस तरह मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो कस्टर्ड होता है वो नीचे जाके बैठ जाता है। तो अब हम इस कस्टर्ड के मिक्सचर को दूध में डाल देंगे। गैस की फ्लेम लो मीडियम कर देंगे और इसे इस तरह लगातार चलाते हुए 5 मिनट अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ आप देखिए कि कस्टर्ड का मिक्सचर डालते ही हमारा दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस स्टेज पर हमें लगातार इस तरह इसे चलाते रहना है, ताकि हमारे कस्टर्ड में बिल्कुल भी लम्स ना रहें। तो यहाँ मैंने लगभग इसे 5 मिनट अच्छे से पका लिया है और आप देखिए हमारे कस्टर्ड में बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो अब हम इसमें 1/4 कप चीनी डालेंगे और इसे भी कस्टर्ड में अच्छे से मिक्स करते हुए 2-3 मिनट और पका लेंगे। तो यहाँ आप चीनी की जगह कंडेंस्ड मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं, पर क्योंकि चीनी बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाती है तो इसलिए मैंने इसमें चीनी का यूज़ किया है। तो यह मैंने कस्टर्ड को 2-3 मिनट और पका लिया है और आप देखिए कि हमारा कस्टर्ड काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो बस इससे ज़्यादा हमें इसे और नहीं पकाना है, क्योंकि अभी ठंडा होने के बाद और गाढ़ा होगा। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। तो ये हमारा कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पर आ गया है, तो अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये हमारा कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पर आ गया है, तो अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि अच्छे से चिल्ड हो जाए। तो ये बेसिकली हमें कस्टर्ड को जमाना नहीं है, हमें इसे जस्ट ठंडा करना है। तो अब हम इस तरह कोई भी एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और इसमें ये 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम डालेंगे। तो यह मेक श्योर कि हम जो व्हिप क्रीम लेंगे वो बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपकी क्रीम अच्छे से व्हिप होगी। तो अब हम एक इलेक्ट्रिक बीटर लेंगे और क्रीम को इस तरह व्हिप करेंगे। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह हैंड विस्कर से भी इसे बीट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे ग्राइंडिंग जार में भी व्हिप कर सकते हैं। पर अगर आप इसे ग्राइंडिंग जार में व्हिप करेंगे तो पहले आप ग्राइंडिंग जार को 1 घंटे फ्रीजर में रख लें और उसके बाद उसमें क्रीम को व्हिप करें, ताकि आपकी क्रीम अच्छे से व्हिप हो सके। तो यह मैंने क्रीम को अच्छे से व्हिप कर लिया है और आप देखिए कि इसमें अच्छे से स्टिफ पिक्स आ गए हैं, दैट मीन्स कि अच्छे से व्हिप हो चुकी है। तो यह लगभग 1 घंटा हो गया है, हमारा कस्टर्ड का मिक्सचर भी अच्छे से चिल्ड हो गया है। तो अब हम इसे भी व्हिपिंग क्रीम में डाल देंगे और अब हम इसमें ये 2 पिंच के करीब येल्लो फूड कलर ऐड करेंगे। तो यह फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर क्योंकि इस आइसक्रीम में बहुत अच्छा कलर आता है तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हो सके तो आप भी इसमें थोड़ा सा फूड कलर जरूर ऐड कर लें। तो अब हम सारी चीजों को अच्छे से व्हिप कर लेंगे। तो ये मैंने सारी चीजों को अच्छे से व्हिप कर लिया है, हमारा आइसक्रीम का बेस बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इस तरह कोई भी एक एयरटाइट कंटेनर ले लेंगे और इसे ओपन करेंगे और अब हम इसमें आइसक्रीम का बेस डाल देंगे। इस तरह इवनली स्प्रेड कर देंगे और अब हम इसके ऊपर एक क्लिंग फिल्म लगाएंगे, ताकि आइसक्रीम में आइस क्रिस्टलाइजेशन ना हो। और अब हम इसका ढक्कन लगाकर आइसक्रीम को 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे, ताकि हमारी आइसक्रीम थोड़ी सी जम जाए। तो ये 2 घंटे बाद मैंने कंटेनर को फ्रीजर में से बाहर निकाल लिया है और हमारी आइसक्रीम थोड़ी सी जम गई है। तो अब हम इसे दोबारा एक बाउल में अलग निकाल लेंगे और इसे एक बार और व्हिप करेंगे। तो ये हम आइसक्रीम को दोबारा से इसलिए व्हिप कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा स्मूथ और सिल्की बनती है।
मतलब कि आइसक्रीम हमारी मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ये मैंने आइसक्रीम को दोबारा से अच्छे से व्हिप कर लिया है और अब आप पास से देख ही सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना स्मूद और सिल्की हो गया है। तो अब हम इस मिक्सचर को दोबारा से कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे, इवनली स्प्रेड कर देंगे और अब हम इसके ऊपर ही दोबारा से क्लिंग फिल्म लगा देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह फॉइल पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम कंटेनर का ढक्कन लगाकर इसे 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि हमारी आइसक्रीम बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो यह लगभग 8 घंटे हो चुके हैं, हमारी आइसक्रीम भी अच्छे से सेट हो गई है। तो आइए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो अब हम एक स्कूपर की हेल्प से आइसक्रीम को इस तरह सर्विंग बाउल में निकालेंगे। तो यहाँ आप देखिए हमारी आइसक्रीम का कलर और टेक्सचर कितना अच्छा आया है। तो अब हम इसके ऊपर ही थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देंगे और ये थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ते बादाम डालकर इसकी और गार्निशिंग कर देंगे। तो ये हमारी बहुत ही डिलीशियस कस्टर्ड आइसक्रीम बनकर तैयार है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।